उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद व मुख्य विकास अधिकारी कविता मीना ने जनपद के ग्राम प्रधानों के साथ वर्चुअल संवाद करते हुए ईद अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की बधाई देते हुए निर्देशित किया कि आसन त्योहारों के अवसर पर ग्राम व धार्मिक स्थलों के आसपास पर्याप्त साफ सफाई के बंदोबस्त सुनिश्चित करें। वहीं डीएम व सीडीओ ने यह निर्देश दिया कि ग्रीष्म ऋतु को मद्देनजर रखते हुए ग्राम के तालाबों नहरों अथवा सरकारी ट्यूबवेल के माध्यम से भरवा दिया जाए। वहीं ग्रीष्म ऋतु के दौरान किसी भी मानव पशु पक्षियों को पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं वर्चुअल माध्यम से आयोजित संवाद के दौरान डीएम व सीडीओ ने जनपदवासियों से अपील की कि लुआ गर्मी के मौसम को देखते हुए अपने घर के आसपास व घर की छत पर पंछियों के लिए पानी के साथ दाने का भी प्रबंध अवश्य करें, ताकि घर आया कोई भी मेहमान पंछी भूखा प्यासा ना जा सके। वहीं वर्चुअल मीटिंग के दौरान डीएम चंद ने ग्राम प्रधानों को शासन द्वारा लागू मोबाइल गेहूँ क्रय केंद्रों की व्यवस्था से अवगत कराते हुए बताया कि सरकार द्वारा लिया गया निर्णय है कि अब किसानों को गेहूँ क्रय केंद्र तक नहीं चल के आना पड़ेगा, बल्कि गेहूं क्रय केंद्र स्वयं चलकर किसानों तक पहुंचेंगे। डीएम ने यह जानकारी दी कि यदि ग्राम में कुछ किसानों द्वारा अपनी उपज को 150 क्विंटल गेहूं संग्रहित कर लिया जाता है तो ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव अथवा कोटेदार द्वारा सूचित करने पर मोबाइल क्रय केंद्र गांव में पहुंचकर किसानों का गेहूं क्रय कर लेगा। जहाँ नहर का पानी उपलब्ध है सुगमता से उन तालाबों को जरूर भर दीजिए, वो मेरे सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश है, जिससे कि निराश्रित पशु पक्षी पानी पी सके। पानी सबकी ज़रूरत है और आप अपने घर पर भी छोटे पक्षियों के लिए, चिड़ियों के लिए आप एक मिट्टी के उसमें बर्तन में पानी ऊपर रख दें, कुछ बाजरा वजरा इत्यादि रख दें, क्योंकि भूख प्यास सबको लगती है। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके क्षेत्र में, उसके गांव में पशु पक्षी पानी के अभाव में, उनके पानी का अभाव रहे। जनपद बहराइच में वैसे भी पानी की उपलब्धता है। अखंड भारत न्यूज के लिए धीरेन्द्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, बहराइच।